Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing the revision for term one, and this is the fun class on linear programming, right? First and the fun class on linear programming, we have done every other topic, which is there in the playlist, okay? So make sure that you watch them properly and you do your best in the coming exam. The target should only be 40 out of 40, right? 40 on 40, this has to be the target, and I'm sure that if you give it your best shot, you'll be able to get it. Okay, so let us start linear programming. Linear programming is a very, very important, easy topic, which has got its application in real world as well. There are a few things, right? A few jargons of this topic. Let me introduce it to them. First thing is objective function. Objective function kya? Jo hamara objective hai, right? Whatever is the main objective. Objective ka matlab kya? Main goal. ठीक है हमारा मेन गोल क्या है किसी भी तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जनरली हम लोग मेक इट अ फंक्शन ऑफ x एंड y डिनोटेड बाय व्हाट z वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स x एंड y आर वेरिएबल्स ठीक है देन यू हैव डिसीजन वेरिएबल्स a और b क्या है कांस्टेंट्स हैं और x और y क्या है आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं ठीक है दे वर्क अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स राइट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कंस्ट्रेंट्स क्या है ठीक है डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आपके पास होते हैं जैसे कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 y शुड बी ग्रेटर देन 0 राइट इनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स यानी कि x और y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते ठीक है बिकॉज़ जनरली यहां पे नंबर्स होते हैं जैसे कि टेबल्स चेयर्स मनी तो ये चीजें नेगेटिव में नहीं जाती ठीक है प्रॉफिट लॉस एक बार को नेगेटिव में जा सकता है लेकिन मनी कैन नॉट गो इन नेगेटिव ठीक है फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन इज इसको व्हाट फिजिबल वर्ड का मतलब होता है पॉसिबल है ना फिजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है पॉसिबल ठीक है तो जो सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करेगा उसका एक रीजन होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिबल रीजन बोलते हैं जनरली यही हमारा सॉल्यूशन रीजन भी होता है ठीक है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन भी होता है फिजिबल रीजन के हमारे पास जो पॉइंट्स हैं राइट उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम लोग कॉर्नर्स भी कहते हैं We call them the corners of the feasible region. Infeasible solution क्या होता है कि अगर आपके पास जो सारे अलग अलग constraints हैं वो कुछ भी common area नहीं दे पा रहे हैं तो वो infeasible solution है ठीक है Optimal या feasible solution भी है ना optimal का मतलब है जैसे suppose करो हम लोग profit है तो profit को हम लोग क्या करेंगे maximize करेंगे ठीक है अगर profit है तो इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे maximize करेंगे suppose करो expenses हैं right तो एक्सपेंसेस को हम लोग हमेशा क्या करना चाहते हैं मिनिमाइज करना चाहते हैं ठीक है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इधर या तो उसको मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है ठीक है तो अभी आओ एग्जांपल्स में इन बातों को करते हैं और इसको समझते हैं ठीक है और इस बार टर्म वन में जहां तक मुझे लगता है इसके क्वेश्चन जो आएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी मैंशन किए हैं कि एमसीक्यू टाइप में कैसे आ सकते हैं सो लेट्स सी राइट आइए एक एक करके सब बात को समझते हैं ये मैंने एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है जस्ट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर भी पहले से लगा रखा है ठीक है देखो अब यहाँ पे क्या दिया इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग को ग्राफिकली सॉल्व करना है ओके नो प्रॉब्लम वी हैव टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हमेशा आपको पता होगा मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना है कई बार कॉमन सेंस पे भी ये बात छोड़ दी जाती है कि आपको सोचना है कि मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है ऑब्वियस सी बात है अगर खर्चा है तो उसको मिनिमाइज करेंगे और अगर आमदनी है तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे ठीक है तो ये ध्यान रखना सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स अब ये कंस्ट्रेंट्स हैं ठीक है कंस्ट्रेंट्स आपको जनरली इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिए होते हैं ठीक है देखो मैं ये तुम्हें करके बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे इसको करना है ठीक है बिकॉज क्वेश्चन आप देखेंगे तो अब जो एमसीक्यू टाइप में होंगे वो स्लाइटली डिफरेंट होंगे बट उनको करने के लिए यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो समझना पड़ेगा ठीक है देखो तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप स्केल यूज कीजिएगा मैं तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कुछ ऐसा राइट ये मैंने इधर एक फ्री हैंड ड्रॉइंग की है ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है चलेगा चल जाना चाहिए ठीक है एक्स और वाई एक्सिस मैंने इधर से ड्रॉ कर दिया ठीक है अब ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं ठीक है ग्राफिकली प्लॉट करते हैं पहला क्या बोल रहा है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100
यानी कि जब y 0 होगा तो x 100 होगा, ठीक है, x 100 होगा तो मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। तो 100 के लिए 5 यूनिट चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक यूनिट को ना, मतलब एक स्क्वायर को 20 यूनिट्स नाम दे देता हूँ, ठीक है, 20 यूनिट्स नाम दे देता हूँ। तो हमें समझ में आता है कि 100 कहाँ पे होगा, 20, 40, 60, 80 एंड 100, दिस इज द पॉइंट जहाँ से हमें ग्राफ को क्रॉस कराना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो जब एक्स जीरो है तो वाई कितना है, 50 है, ओके, सो 20, 40 एंड 60 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, यानी कि 50, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं क्रॉस कराऊं, ज्वाइन कराऊं, रफ स्केच है, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो आई एम श्योर आप मेरे से ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि कभी भी आप किसी इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप वहां पे हमेशा उसको मेंशन करें, उसकी इक्वेशन को मेंशन करें। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी इक्वेशन है इसकी, इसकी इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100, हालांकि यहाँ पे ग्रेटर देन 100 बोल रहे हैं तो वो उसकी बात अभी करेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी आप मेंशन कर लो, ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारे पास, 100, 0, ये पॉइंट कितना है, 0, 50, ठीक है, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर लीजिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 2x माइनस y इज लेस देन 100, ठीक है, ओके, उसको मैं भी बाद में प्लॉट करूंगा, पहले मैं इसको देखना चाहूंगा, ये लेट से मैं इसको फर्स्ट कह लेता हूँ, फर्स्ट कंस्टेंट हमने प्लॉट कर लिया, सेकेंड अभी हमने प्लॉट नहीं किया, मैं थर्ड प्लॉट करूंगा, और फोर्थ कंस्टेंट तो हमेशा ही अच्छा होता है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखना शुरू करें तो x जब y जब 0 है तो x 100 है, ठीक है, मतलब यहीं से क्रॉस करेगा, ओके, और जब x 0 है तो y कितना है, 200 है, ओहो बहुत ऊपर है ये तो, 60, 80, 100 और 120 बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रफली मैं इसको यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैं रफली इसको कुछ यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ और इस लाइन को कुछ इस तरीके से प्लॉट करूंगा, ठीक है, ओके, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट सर्टेनली इज 0, 200 और ये हमारे पास 100, 0 तो ऑलरेडी है। इसकी इक्वेशन कितनी है मेरे पास, इसकी इक्वेशन है 2x + y = 200, आई एम श्योर एवरीथिंग इज फाइन टिल दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, 2x - y = 0, ठीक है, अभी हमें ये भी देखना है फिजिबल रीजन क्या है, लाइन के ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये बातें अभी हमें सीखनी है, बट पहले हम इनको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, मैं ये सजेस्ट करूंगा हमेशा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 2x एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 2 है और ओरिजिन से क्रॉस करेगी, तो रफली ड्रॉ करना है तब तो हो जाएगा, बट अगर मैं एग्जैक्टली देख लूँ तो ग्राफ पे प्लॉटिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे देखता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x, अगर मैं इनइक्वालिटी को भूल जाऊं तो y इज इक्वल टू 2x मैं कह सकता हूँ ना, ठीक है, अब इनइक्वालिटी की बात करेंगे, डोंट वरी, उससे हमें फिजिबल रीजन देखना है, अल्टीमेटली इनइक्वालिटी से ही देखना है, बट पहले प्लॉट तो कर लें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि y इज इक्वल टू 2x अगर मैं रखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4x और 5x, 5x बराबर इतना तो ये 20, यानी कि ये 20 से क्रॉस करेगा, है ना, ये जो मेरे पास लाइन है इस पे एग्जैक्टली कहाँ से क्रॉस करेगा, 20 पे, है ना, 20 यहाँ किधर कहीं पे होगा ना, समवेयर हेयर, अच्छा, और मैं देखूँ जरा कि जब मेरा एक्स 20 है तो वाई कितना है, 40 है, अच्छा अच्छा ये सही है, 40 है, मतलब ये रफली जो ये क्रॉस करेगा हमारा, राइट, रफली जो हमारा ये क्रॉस करेगा x बराबर 20, y बराबर 40, ये कुछ ऐसा होगा, राइट, रफली, ओके, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पक्की बात है, ये हमारे पास 20, 40 है, ठीक है, रफ ग्राफ है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे भी हो रहा है, बट एग्जैक्टली तुम इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका हम ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं, तो इस वाले में अगर मैं y इज इक्वल टू 2x रखूंगा तो 4x,
4x बराबर कितना हो गया, 4x बराबर हमारे पास 200 हो गया, तो x बराबर 50 हो गया, यानी कि इसका x हमारे पास 50 है। अगर x मेरे पास 50 है तो y कितना हो जाएगा, y मेरे पास 100 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं प्लॉट को प्रॉपरली तो ये दिखता है 40 50, ये बिल्कुल सही बन रहा है। और अगर 100 देखूं तो 20 और ये 40 और ये हमारे पास 60 और ये 80, थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था, राइट? बट कोई बात नहीं, राइट? एक्सक्यूज मी फॉर दिस आई मीन सिली थिंग दैट वी हैव डन हियर। तो आप इसको आसानी से अभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है? ओके, तो मैंने y इक्वल टू x रखा था, कौन सी इक्वेशन थी ये, यहाँ पे थी। तो 4x इज इक्वल टू हमारे पास 200 था, तो x में 50 हो गया, और अगर x 50 हो गया तो y कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 50 को 100 आ जाएगा। तो सारे फिजिबल पॉइंट्स हमारे पास, सारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वो आ गए। अब देखना है कि कौन सा एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा है, ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना, इनइक्वालिटी का रूल यहीं पे आता है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, x plus 2y is greater than 100. मैं क्या करता हूँ, हमेशा ओरिजिन देखता हूँ। तो मैंने 0,0 रखा, ये ओरिजिन रखा, तो क्या आ गया मेरे पास, इनइक्वालिटी क्या आ गई कि 0 इज ग्रेटर देन 100, सही या गलत? गलत, यानी इस लाइन के जिधर ओरिजिन है वो वाला लाइन, वो वाला साइड मुझे नहीं चाहिए, उसके अपोजिट साइड चाहिए, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। मतलब इस लाइन से तो ऊपर होगा, फर्स्ट लाइन से ऊपर होगा, ठीक है? ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं, 2x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन रखते तो कोई फायदा नहीं है, तो ये वाला, ये पॉइंट रख लो 0,50, ठीक है? मैंने 0,50 रखा, कितना आ गया, 0 माइनस 50 इज लेस देन 0, सही है गलत है? बिल्कुल सही है, यानी कि इस लाइन के किधर को होगा मेरे पास एरिया, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा एरिया, ठीक है? फर्स्ट लाइन से ऊपर, सेकेंड लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे। थर्ड देखते हैं, 0 रख लिया जाए, ठीक है? 0 रखा, ये क्या बोल रहा है, 0 इज लेस देन 200, यस इट इज करेक्ट, यानी कि इस लाइन के किधर, नीचे, इस लाइन के नीचे। अब सोचना ये है कि हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा है, जो तीनों चीजों को फॉलो करेगा वही फिजिबल रीजन है, यानी कि इससे नीचे, राइट, इससे नीचे, ठीक है, और इस वाले लाइन से ऊपर और इसके ऊपर, अच्छा ओके, तो कौन सा है फिजिबल रीजन हमारा, ये है हमारे पास फिजिबल रीजन, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होता है और अपोजिट चीज पूछी जाती है, तो अगर एक रास्ता पता है जाने का तो लौटने का रास्ता हम लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना? तो ये बातें यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम लोग फीजिबल रीजन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द फीजिबल रीजन, दिस इज कॉल्ड द फीजिबल रीजन। और ये जो पॉइंट्स हैं, राइट, लेट्स नेम देम, और इनको नाम देते हैं, ये ए बी सी एंड डी, राइट, इनको कॉर्नर्स कहते हैं, ठीक है भाई? क्या कहते हैं इनको, कॉर्नर्स कहते हैं। ए मेरे पास क्या है, 50,100, ठीक है? बी मेरे पास कितना है, 20,40, सी कितना है, 0,50, और डी कितना दिख रहा है, 0,200, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं, और किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, ये हमेशा ही कॉर्नर्स पे होती है, राइट, दैट इज ऑलवेज एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे अगर मैं जेड को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, अगर मैं जेड को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यूज कितनी आएंगी बताओ। मैंने यहाँ 50 रखा, कितना हो गया, 150, 150 प्लस 100 इज 250, ठीक है? यहाँ मैंने 20 रखा तो कितना हो गया, 60, राइट, 60 और प्लस 40, ठीक है? तो 60 प्लस 40 हमारे पास आ गया 100, ओके, और 0,50 रखा तो ये हमारे पास आ गया 50, 0,200 रखा तो ये आ गया हमारे पास 200। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू z की कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है? आई होप यू गेट दिस, लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट, एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन
determined by the system of linear constraints are as given below. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से given है और क्या कह रहे हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ ऑप्शन नहीं है, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी, अगर ऑप्शन होंगे तो थोड़ा और काम आसानी हो जाएगा ना. तो जो मुश्किल है वो कर लेते हैं, जो आसान होगा वो तो आप कर ही लेते. सो इस पार्टिकुलर केस में क्या कह रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू 3x-4y विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एंड ऑल्सो द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विल अकर. सो वेरी इजी, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. कॉर्नर्स व्हाट डू वी हैव, 0.8, ठीक है, 4.10, देन यू हैव 6.8, देन यू हैव 6.5 एंड फाइनली वी हैव 4.0. ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर आर कॉर्नर्स, इनका नाम मैंने क्या बताया, कॉर्नर्स, फिजिबल रीजन के हमारे पास ये कॉर्नर्स हैं. जेड क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज भी करना है, कोई बात नहीं. सो हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 3x-4y. एक्स को मैंने जीरो किया, वाई मेरे पास कितना आ गया, -32. आई मीन जेड कितना आ गया, -32. 4.10 पे क्या हुआ, 4.10 पे ये 12 हो गया और ये 40 हो गया. तो 12 और 40 कितना देगा, 28 देगा, वो भी नेगेटिव का, तो -28. 6.8 अगर मैं देखता हूँ तो 6.8 मुझे क्या देता है, 6 से ये 18 और 8 से ये 48. तो 18 और 32 है ना, 18 और 32, अच्छा ठीक है. तो 32 में से अगर 20 घटाता तो हो जाता 12, तो 14 हो जाएगा, -14 हो जाना चाहिए. 6.5 पे देखा जाए तो ये 6 पे हो गया 18 और 5 पे हो गया कितना, -2, आई मीन -20. तो 18 में से -20 गया तो ये कितना हो गया, -2, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 12. इन्होंने हमसे पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, तो मिनिमम कहाँ दिखता है, मिनिमम वैल्यू कितनी दिखती है हमारे पास z की, -32, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखती है हमें z की, इट इज 12. और इसमें एक दूसरी बात भी बोली गई थी कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से हैं. तो मिनिमम के लिए जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज ए 0.8, और मैक्सिमम के लिए जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज ई 4.0. ठीक है, आई होप यू गेट दैट. लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड आई विल टेक अप द सेकंड पार्ट हियर. लेट जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन 0 बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Find the condition on which P and Q, find the condition on P and Q so that the maximum value of Z occurs at this and this. Okay, दोनों जगह पे maximum value होगी ऐसा कह रहे. Also mention the number of optimal solutions in this case. Okay, यानी कि जो मेरे पास Z है, ये है PX plus QY. एज पर द क्वेश्चन 4.0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है. तो मैं जरा 4.10 पे ये रख के देखता हूँ तो मेरे पास आता है 4p+10q. ठीक है, और 6.8 पे जब मैं रखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 6p+8q. ठीक है, ओके, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इधर मेरे पास 2p इज इक्वल टू 2q आ रहा है. That means P is equal to Q आ रहा है. ओहो, fantastic, बहुत बढ़िया. अगर P is equal to Q आ गया तो उन्होंने बोला also mention the number of optimal solutions. पहले तो उन्होंने बोला condition, तो yes this is the condition for this objective function to attain the maximum value at 4.10 and 6.8. What is the condition? P is equal to Q. Also mention the number of optimal solutions. कितने solution होंगे? ऐसे कितने points हो सकते हैं जहाँ पे P और Q equal है? I would say infinite points, right? What is the value? Infinite points are there. Okay, there are infinite solutions in which we'll get the optimal solution in this case. Okay, let me know if you are absolutely okay till this point. In case you are facing any problem, ask me again. Otherwise, I'll take up the next question. Every question is giving you a different learning. Okay,
हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट है हमारे पास, जो कि हमें समझना है, सीखना है और बाद में अप्लाई करना है। देखिए, फॉर द फॉलोइंग फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी, ओके, ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन है। बी हमें दिख रहा है 10.50, सी ये वाला पॉइंट है देखो 0.60, ए 20.10, है ना। कॉर्नर्स हमेशा मेंशन होते हैं। अगर आपको प्लॉट करना है, प्लॉट तो खैर एमसीक्यू में करना नहीं है, लेकिन हाँ अगर प्लॉट करना होता था तो हमें कॉर्नर्स लिखने होते थे। इसके भी 2 मार्क्स होते थे, पता है आपको, जब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता था तो इसके 2 मार्क्स हुआ करते थे। पास हो गया, चलो एनीवेज लेट्स सी। सो आंसर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कंस्ट्रेंट्स टेकिंग एक्स एंड वाई अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, पहले तो कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं, ठीक है, मतलब वो जो इनइक्वालिटी होती है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था, वो यहाँ तुम्हें क्रिएट करना है। ऐसे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तो चलो बहुत ध्यान से इन बातों को लिखेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो सबसे लास्ट कंस्टेंट होता है, लाइक यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, तो दो इक्वेशन तो यहाँ बनेंगे, और तीसरी इन इक्वेशन जो हमेशा बनती है हमारे पास, वो क्या बनती है, ये हमारे पास होती है एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मैं जरा इक्वेशन लिखूंगा लाइन की, तो मैं ये सी है और ये बी है, ठीक है, दिस वन ओके। तो मैं अगर इसमें बी सी की इक्वेशन लिखता हूँ, किसकी, बी सी की, तो बी सी की इक्वेशन कितनी हो जाएगी भाई, बी सी इक्वेशन ऑफ बी सी, राइट। तो आई बी यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म, राइट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ, एंड x2 माइनस x1 विच इज 10 माइनस 0, दिस इज द स्लोप इन टू x माइनस x1। सो मैंने y1 को 60 लिया था, तो x1 कितना हो जाएगा, 0 नेचुरली, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई बी सी की, दिस इज y माइनस 60, और यहाँ 0 होगा, राइट, दिस इज 0, और यहाँ मेरे पास -10/+10 विच इज -1, तो इज इक्वल टू -x आ गया। तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी आई, ये कितनी आ गई, दिस इज x+y इज इक्वल टू 60। तो इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, राइट, x+y इज इक्वल टू 60, ठीक है। पहले इक्वेशंस गिवन थी और यहाँ पे इक्वेशंस हमें निकालनी पड़ रही हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है और होगा, ध्यान रखना मेरी बातों को। तो यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ताकि तुम उनको डील कर सको, ओके। सिमिलरली मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, तो इसके लिए मुझे बी और ए 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आई विल बी राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ए बी, ओके। अगेन y-y1 इज इक्वल टू y2-y1, राइट, दैट इज 0-50 अपॉन x2-x1 विच इज 20-10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-x1 विच इज 20, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, -50/10, तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, सो -5x, और -5x के साथ माइनस माइनस ये कितना देगा हमें, +100 देगा। तो ये जो इक्वालिटी आ रही है मेरे पास, इसको x के फॉर्म में लिख लिया जाए ना, जनरली ax+b इस तरह का फॉर्म होता है, तो आप भी अगर ऐसे फॉर्म्स रखो तो अच्छा रहेगा। तो 5x+y इज इक्वल टू 100, दिस इज योर दिस इक्वेशन, ठीक है। बट कंस्ट्रेंट हमेशा इन इक्वेशन के फॉर्म में होंगे, ये वाली बात हमने सबसे पहले देख ली है। अब देखना है कि आखिर यहाँ पे मेरे पास लेस देन होगा कि इक्वल टू होगा। इसके लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि तुम ये देखो कि ओरिजिन किधर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके, बहुत ध्यान से। पहले पे यहाँ पे ओरिजिन रखता हूँ, ये मेरे पास पहली लाइन है, इसके इस तरफ मेरे पास आंसर चाहिए, ठीक है, इधर को चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओरिजिन रखता हूँ, ठीक है, ओरिजिन रखता हूँ, मैंने रखा ओरिजिन 0 0, राइट, सो 0 इज लेस देन 100 या ग्रेटर देन 100, क्या सही होगा बताओ, लेस देन 100, है ना। तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, 5x+y इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, ओके।
अब दूसरी बात, ये जो मेरे पास BC इक्वेशन है इसमें देखेंगे तो इसके किस तरफ मुझे सॉल्यूशन चाहिए, इसके भी नीचे ही चाहिए, राइट, इसके भी नीचे ही चाहिए। तो इसमें देखते हैं, यहाँ मैंने ऑरिजिन रखा, ऑरिजिन रखा तो 0 is less than 60 होना चाहिए, यानी यहाँ से मेरे पास इन इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, और यहाँ पे ये 100 होगा ना, दिस विल बी 100। तो पहला क्वेश्चन था, इन्होंने राइट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टेकिंग एक्स एंड वाई अलोंग द एक्स एंड वाई जेड एक्सिस। सो पहले पार्ट का आंसर ये आपका हो जाएगा, दिस आर द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो अब कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे पास कॉर्नर्स पहले से तुमने डाउनलोड मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई कर रखे हैं, बस यहाँ पे अब कॉर्नर्स की वैल्यू रखनी है, ठीक है। आओ चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो कॉर्नर्स हैं मेरे पास ए दैट इज 20, 0, बी 10, 50 एंड सी 0, 60। जेड की मैं वैल्यूज रखूंगा इन तीनों जगह पे, ठीक है, जेड की वैल्यूज रखूंगा। तो मैंने 20, 0 जब रखा तो ये आ गया मेरे पास 20 से 1000 और ये 10,000, ठीक है, 10,000 इज व्हाट आई एम गेटिंग। 10, 50 जब मैंने रखा, 10, 50 तो 10 से मेरे पास आ गया 5000, और 50 से क्या आ जाएगा बच्चों, 50 से आ जाएगा 75 और 7500, यानी कि 12,500, ठीक है। और फाइनली हमें 0, 60 जब रखना है तो ये आ जाएगा मेरे पास 9000, ठीक है। क्या करना है हमें, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 10, 50 पे, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन अटेन। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, द पॉइंट इज बी 10, 50, ठीक है। बताओ मुझे यस और नो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, सो वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी मच अ वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। डू रिमेंबर दैट वेन एवर यू विल बी गेटिंग सच क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, ओनली देन यू कैन मेक एनी इक्वेशंस। द फर्स्ट थिंग इज टू गेट द इक्वेशन, ओके। सो यहाँ पे मैं अगर बी सी की इक्वेशन देखता हूँ, तो मैंने लिखा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम, स्लोप कितना है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो वाई माइनस वाई वन एंड एक्स माइनस एक्स वन, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। कितना हो गया ये, 2/3 हो गया, तो इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो वाई माइनस फोर को, और इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड थिंग। कितना आ जाएगा बताओ, 2x-3y, इसको इस तरफ लेके जाओगे, ठीक है। इधर आपके पास -6 है और इधर आपके पास -12 है, ठीक है। सो -12 है, अगर इन केस यू आर टेकिंग टू द अदर साइड दैट वुड बी +6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो पहली आपके पास इक्वेशन ये आ जाती है, ये आपने किसकी इक्वेशन निकाली है, BC की इक्वेशन निकाली है। दिस इज 2x-3y +6 इज इक्वल टू 0। नाउ सिमिलरली मैं AB की इक्वेशन निकालूंगा, तो AB की इक्वेशन अगर मैं निकालता हूँ, राइट, ए बी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, ओके। सो व्हेन आई लुक इनटू द इक्वेशन ऑफ ए बी, अभी कितना जाएगा, वाई माइनस वाई वन एंड वाई टू माइनस वाई वन, ओके। सो 0-4 अपॉन 6-3 इंटू x-x1, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 3y आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास -4x +24, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई, ये आ गई 4x+3y इज इक्वल टू 24। ये आपने सेकेंड काम भी कर डाला, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, इसके इनइक्वालिटी बना के। तो फर्स्ट दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो तो ये हो जाएंगी, और तीसरा हमारे पास जो परमानेंट होता है, व्हाट इज दैट, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखना है कि ओरिजिन के इस तरफ है, जिधर ओरिजिन है उधर ही है ना, तो मैंने क्या बोला, ओरिजिन रख दो। जब ओरिजिन रखोगे यहाँ पे तो इस बात को कैसे लिखोगे बताओ, ये मेरे पास आ जाएगा 6 इज
लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए 2x - 3y + 6 इज वॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ओरिजिन के तरफ जो है हमारे पास ये वाली चीज क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ठीक है, ट्रू होनी चाहिए हमेशा ऑलवेज। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये लेस देन आएगा कि इक्वल टू आएगा, सोचा जाए जरा, तो अगेन ओरिजिन वाला साइड हमारा सॉल्यूशन है तो इस तरफ होना चाहिए, तो मैंने ओरिजिन रखा तो 0 < 24 आएगा तभी तो सही होगा, तो यहाँ पे मेरे पास < 24 आ जाएगा। इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट्स निकालोगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में कोई टेंशन कभी भी नहीं होती। यहाँ आप रख के देख लीजिए, कॉर्नर्स रखिए, कॉर्नर्स हैं आपके पास 6,0 एंड बी इज 3,4, सी इज 0,2, सो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ सेट। 6x कितना हो गया, 36, 3,4 पे कितना आ गया, 3,4 पे 18 + 44 कितना हुआ बच्चों, 52, 62 हो गया, और 0,2 पे कितना हो गया, 22। इन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 3,4 पे, और कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 62 आ रही है। सो दैट इज हाउ यू कुड हैव डन दिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ बिफोर वी से बाय बाय फॉर द डे, राइट, एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन, एंड इन केस यू फेस प्रॉब्लम एनी वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। लेट्स सी, लेट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स, दिस दिस एंड दिस, ओके, पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन जीरो, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट 3,0 and 1,1। कुछ नहीं करना, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी तो इसको इक्वेट कर दोगे जैसे पहले किया था, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, पी एक्स प्लस क्यू वाई, जब मैं 3,0 रखूंगा यहाँ पे क्या जाएगा, 3p आएगा कि नहीं, ठीक है, और 1,1 रखूंगा तो ये किससे इक्वेट होगा, p प्लस q से इक्वेट होगा। तो p और q के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया ना, क्या रिलेशन आया बताओ, ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू q। ये आपसे सबसे पहली बात बोली गई थी कि फाइंड द कंडीशन ऑफ p एंड q ताकि मिनिमम वैल्यू इन दोनों जगह पे अगर करेगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर कर गई, मिनिमम होगी मतलब दोनों पे बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, आई थिंक वीडियो अभी ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग फिर अब कल मिलते हैं, कुछ भी डाउट्स हो तो पहले पोस्ट करना, कल मिलेंगे, ठीक है, टेक केयर।